तो देखिए, अगर 1 साल का टाइम फ्रेम है तो मेरे ख्याल से तो विप्रो में इस गिरावट पे खरीदारी करनी चाहिए। अब यहाँ से लेकर 475 से लेकर 450 की रेंज में मल्टीपल सपोर्ट दिखते हैं, और जिस तरह के पैटर्न मीडियम टर्म चार्ट पे उसको देख के लग रहा है कि शायद इस रैली, ये जो करेक्शन है, ये कंप्लीट होगा, तो जो नई रैली में आपको 575 और 600 के भाव देखने को मिल सकते हैं। इसलिए पोजिशनल बेसिस पे 2 से 3 मंथ के लिए 440 की स्टॉप लॉस से एक लॉन्ग पोजिशन इस गिरावट में बनाई जा सकती है। ओके, 2 से 3 महीने, 2 से 3 समय के लिए बनाई जा सकती है। अगला सवाल है सुधाकर।